बेटा देख गाड़ी को कौन धक्का लगा रहा है। ये कौन है मम्मी? हमारे पुराने घर वाले पड़ोसी। ओ अच्छा, क्या हाल है? हाल तो बेहाल है। वो तो दिख रहे हैं कितने बुरे हाल हैं। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते, आप तो यही बोलोगी? और बोलने को है क्या तुम्हारे पास? नहीं आंटी जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैसे हैं आप? हम तो बढ़िया एसी वाली गाड़ी में घूम रहे हैं, तुम्हारी तरह यहाँ सड़कों पर धक्का नहीं मार रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। साफ दिख रहा है झूठ बोल रही हो। आंटी जी मेरी बात सुनेंगे आप लोग? हमें कोई तुम्हारी बात नहीं सुननी है। कितना बोला था तुमको किसी अच्छे बड़े अमीर घर में शादी करो। मतलब? मतलब ये कि अगर किसी अमीर लड़के से शादी की होती तो अच्छा बड़ा घर होता, बड़ी गाड़ी होती, इस तरह से गाड़ी को धक्का नहीं लगा रही होती। और देखो हमारे घर में जो बहू आई है उसकी किस्मत, कितने बड़े घर में शादी हुई, पैसा ही पैसा है, कितनी ऐशो आराम की जिंदगी बिता रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी जी, लेकिन हमें ये सब पसंद नहीं है। पसंद होगा भी कैसे, गरीब जो हो वो तो अच्छा हुआ समय रहते हमने पुराना घर बेच दिया और अच्छा बड़ा घर ले लिया, आज कहाँ तुम और कहाँ हम। और आज हम देखो कितने ऐशो आराम से रहते हैं। बहुत अच्छी बात है आंटी जी, आप रहिए ऐशो आराम से, लेकिन हमें अपना काम करने दीजिए। मम्मी कितनी बदतमीज पड़ोसन है आपकी, और आप इसके मुंह लगती ही क्यों? अरे बेटा मैं इसके मुंह कहाँ लगती हूँ, खुद ही आ जाते हैं सामने बेइज्जती कराने के लिए। और मुझे पता है मन ही मन ये सोचते हैं कि ये हमारे जैसे अमीर कब बनेंगे। अरे 7 जन्म भी ले लो तब भी तुम हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। थैंक यू सो मच आंटी जी, लेकिन हमें आपके जैसा बनना भी नहीं है। ओ हेलो, तुम हमारे जैसे बन भी नहीं सकती। अरे रहने दे बेटा, क्यों इनके मुंह लग रहा है, ये गरीब बस्ती में रहने वाले लोग, इन्हें ये भी नहीं पता आज क्या खाया और कल क्या खाएंगे, ये क्या हमारी बराबरी करेंगे। सॉरी आंटी जी, लेकिन हम आपकी बराबरी करना भी नहीं चाहते। बराबरी करना भी नहीं चाहती? तुम बराबरी कर भी नहीं सकती। अच्छा ये बता तू यहाँ अमीरों की सोसाइटी में क्या कर रही है? मम्मी देखा नहीं आपने कैसे गाड़ी पर धक्का मार रही थी, इसको ना यहाँ पे गाड़ी पर धक्का मारने के लिए बुलाया होगा। वैसे तुम्हें पता है हम यहाँ पे क्यों आए हैं? मेरी बहू ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है जो बहुत महंगा है, और उसको एक बहुत बड़ी कंपनी के बॉस खरीदने वाले हैं। ये जो सब डेकोरेशन देख रही है ना, ये सब उसी के लिए है, लेकिन हमें क्या पता था यहाँ के इन मनहूसों को देखना पड़ जाएगा। मम्मी आप भी किसको बता रही हो, इसको कहाँ पता होगा ये सब। चलो चलो अब निकलो तुम यहाँ से, सब अमीर लोग आने वाले हैं यहाँ पे, इस तरह से तुम्हें देखेंगे तो क्या ही इम्प्रेशन पड़ेगा हमारा यहाँ पे। आंटी जी जो इम्प्रेशन पड़ना था वो तो पड़ चुका है। क्या मतलब? अरे बेटा रहने दे, क्यों इनके मुंह लग रहा है, ये गरीब लोग हैं, जब हम पुराने घर में भी रहते थे ना तब भी ये ऐसी ज्ञान बांटती थी, ये मत करो वो मत करो और न जाने क्या क्या। आंटी जी आप गलत करते थे इसीलिए आपको मना करते थे, आप सोसाइटी में हर किसी से लड़ाई करती थी, और आपका तो किसी के साथ बिहेवियर भी अच्छा नहीं था, और अगर गलती से किसी के साथ कुछ हो जाए तो सबसे पहले चुगली आप करते थे। आंटी जी पड़ोसियों से परिवार बनता है, लेकिन आपको तो पड़ोसी होने का मतलब पता ही नहीं है। चुप कर, मेरे साथ ज्यादा जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, अपने आप को देख और हमको देख। और नहीं तो क्या, हमें देख और तू खुद को देख ले, आज तू कहाँ है और हम कहाँ है। ये तो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि तुम लोगों की सोच अभी भी वैसे की वैसी, एकदम गिरी हुई और लालची लोग। बस बस चुप कर, क्या मिलता है तुझे सत्य की राह पे चल के, आज अपने आप को देखो और हमें देखो, क्या हो गया हमने लोगों को थोड़ा सा झूठ बोलकर धोखा दे दिया, तो आज अपने आप को देखो कहाँ खड़ी हो तुम और हम कहाँ खड़े हैं। अरे मम्मी छोड़ो ना, आप भी किसके मुंह लग रही हो, इसको कहाँ पता होगा ये सब। चलो निकलो यहाँ से, अब ये सोसाइटी हमारी है। मम्मी जी आप मैम से इस तरीके से कैसे बात कर रही हैं, ये मिसेस मंडल हैं, और मैम आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मिसेस मंडल, फिर इस तरह से गाड़ी को धक्का क्यों लगा रही हैं? मैं गाड़ी को धक्का क्यों दे रही थी, मैं गाड़ी को धक्का इसलिए